गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और यार मैंने बहुत दिनों बाद एक बॉलीवुड मूवी देखी है। मैं बहुत टाइम से हॉलीवुड की मूवी, हॉलीवुड की वेब सीरीज, इंडियन वेब सीरीज देख रहा था, पर बहुत टाइम से मैंने बॉलीवुड मूवी नहीं देखी थी, क्योंकि यार किसी भी मूवी चल रही थी जैसे कि दबंग 3, रेस 3, गुड न्यूज, ऐसी मूवी देख के मैं बोर हो चुका था। मुझे लगा था कि अब बॉलीवुड में कुछ नहीं बचा, पर अभी मैंने देखी एक मूवी जिसका नाम है हसीन दिलरुबा, जिसके अंदर है विक्रांत मैसी, तापसी पन्नू, हर्षवर्धन राणे। साथ ही साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है विनिल मैथ्यू ने। और इस मूवी का मैंने ट्रेलर नहीं देखा था, मुझे लगा था कि ये जो मूवी होगी एक घिसी पिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर होगी, जैसे कि लव रोमांस ज्यादातर बॉलीवुड बनाता है, मुझे वैसे ही लगा था। पर जैसे मैंने इस मूवी को देखा अलग ही फील हुआ। अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर, तो विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू एक हस्बैंड वाइफ है, और तापसी पन्नू चाहती थी कि जो इसका हस्बैंड हो वो डैशिंग हो, कूल हो, अच्छे से बात करे, अलग ही लुक में रहे। पर विक्रांत मैसी बिल्कुल सिंपल सादे बंदे हैं जो एक इंजीनियर हैं, और विक्रांत मैसी की एक्टिंग भाई क्या गजब की एक्टिंग करते हैं, वो बिल्कुल सिंपल जो उनका किरदार होता है उसमें घुस जाते हैं, वैसे इस मूवी में उन्होंने किया। अगर हम बात करें तापसी पन्नू की, तो भाई तापसी पन्नू क्या साड़ी में लग रही थी, मतलब उनके लुक ने भाई कहर डा दिया था, मतलब तापसी पन्नू का लुक भाई अमेजिंग था। अगर हम बात करें स्टोरी की, तो तापसी पन्नू अपने हस्बैंड यानी कि विक्रांत मैसी से खुश नहीं रहती है, फिर एंट्री होती है हर्षवर्धन राणे की, जो विक्रांत मैसी का कजन भाई है, और वहीं जो है हमारी तापसी पन्नू पिघल जाती है और उनका अफेयर चालू हो जाता है उन्हीं के भाई यानी कि कजन भाई से। कुछ दिनों बाद जो है विक्रांत मैसी को पता चल जाता है इनके अफेयर का, और बदला लेना चाहते हैं अपनी ही वाइफ से, पर बदला नहीं ले पाते हैं। और कुछ दिनों बाद जो है विक्रांत मैसी का एक्सीडेंट हो जाता है एक गैस सिलेंडर फटने से, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। पर अब पुलिस वालों को लगता है कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये मर्डर है जो उनकी वाइफ ने किया है या फिर उनके बॉयफ्रेंड ने किया है, इसका पता लगाती है पुलिस। पर क्या सच में जो है मर्डर हुआ था या रियल में एक्सीडेंट था या फिर बेकसूर है उनकी वाइफ यानी कि तापसी पन्नू, इसी का पता लगाते हैं पुलिस वाले। पर लास्ट में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जिसको देखने के बाद आप रियल में जो है भौचक के रह जाओगे, क्योंकि रियल में एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुलता है। आप इस मूवी को दो पार्ट के नज़र से देख सकते हैं, जहाँ पहला पार्ट विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू की शादी होती है, जिसके अंदर आपको हल्की फुल्की कॉमेडी नजर आएगी, साथ ही साथ दूसरे पार्ट में आपको मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस सब देखने को मिलेगा, जिससे मूवी बहुत ज़्यादा खास बन जाती है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी के आईएमडी रेटिंग की, जो आए हुए भी कुछ टाइम ही हुआ है, इसलिए आईएमडी रेटिंग मिली हुई है इसको 6.8 की। हो सकता है कुछ दिन बाद इसकी बढ़ भी जाए आईएमडी रेटिंग, हो सकता है कम भी हो जाए, क्योंकि बढ़ती रहती है कम होती रहती है। आप इस मूवी को एक बार के लिए ट्राई जरूर दे सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर भरपूर सस्पेंस है, भरपूर रोमांस है, साथ ही साथ इसमें जो है तापसी पन्नू का जो लुक है वो अमेजिंग सा है, साथ ही साथ विक्रांत मैसी गजब की एक्टिंग है, मतलब इस मूवी के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बाकी जैसे बॉलीवुड की मूवी तरह नहीं है, जो किसी पिटी कॉन्सेप्ट पे नहीं चलती है, कुछ अलग दिखाती है मूवी, इसलिए आप इसको एक बार के लिए ट्राई जरूर दे सकते हो। और गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, पास बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर।